सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, राइट? सो रदरफोर्ड ही एक्चुअली टुक अ गोल्ड फॉयल, राइट, एंड देन सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो उसने क्या किया कि रेडियम लिया फ्रॉम विच द अल्फा रेज दे पास एंड दे हिट द गोल्ड फॉयल. सो व्हेन दे हिट द गोल्ड फॉयल ही मेड सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ओके, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट ही एक्चुअली ऑब्जर्व. सो दीज आई हैव शोन द गोल्ड एटम्स. तो ये गोल्ड फॉयल के एटम्स हैं जो मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं. ओके, सो व्हाट ही ऑब्जर्व कि कुछ ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, दे पास स्ट्रेट थ्रू दीज गोल्ड फॉयल एटम्स. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. राइट, द सेकेंड ऑब्जर्वेशन ही मेड, द सेकेंड ऑब्जर्वेशन ही मेड दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे रिट्रेस्ड देयर पाथ. रिट्रेस्ड देयर पाथ मीन्स कि वो जैसे गए वो वैसे ही क्या आ गए, वापस आ गए. ओके, सो कैन वी शो देम लाइक दिस कि अगर वो यहां से गए हैं तो सेम डायरेक्शन से ही वो क्या कर गए, वापस आ गए. राइट, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे शो कर लो. ओके, सो दिस वाज द सेकंड ऑब्जर्वेशन दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे रिट्रेस्ड देयर पाथ. दैट मींस वो जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ गए. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सम अल्फा पार्टिकल्स दे सफर स्मॉल डिफ्लेक्शंस. ओके, दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. ओके, दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. कम एंगल से क्या किए हैं, डिफ्लेक्ट किए हैं. एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे गेट डिफ्लेक्टेड एट अ वेरी लार्ज एंगल. ओके, सो ये लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शंस थे. राइट, सो अप टू दिस वी हैव डन लास्ट टाइम. राइट, तो ये मैंने एक बारी आपको रिवीजन करवा दी है कि हमने क्या क्या इसमें ऑब्जर्व किया था. सो दीज वर द वेरियस ऑब्जर्वेशन दैट वर देयर इन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम व्हेन ही डिड द एक्सपेरिमेंट, व्हाट ही ऑब्जर्व एक्चुअली. तो ये चार ऑब्जर्वेशन उसने ली कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल सीधे पास कर गए, कई जो थे वो रिट्रेस्ड कर गए अपना पाथ. जैसे ही वो गए वो उसी सेम पाथ से वापस आ गए. सम अल्फा पार्टिकल्स दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो रही थी और कईयों की बहुत ज्यादा लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन हुई. नाउ व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस. ओके, ये जो सारी ऑब्जर्वेशन थी इनकी क्या कंक्लूजन है, क्या रीजंस हैं, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दैट. ओके, सो द वेरी फर्स्ट observation, the very first observation that he observed that some of the alpha particles they pass straight. सीधा पास करने का मतलब क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के एटम्स में से पास किए तो उनके रास्ते में ऐसी कोई चीज नहीं आई. ओके, उनके रास्ते में ऐसी कोई चीज नहीं आई जिससे वो हिट नहीं हो. राइट, सो दैट्स व्हाई दे पास जैसे गए वैसे ही वो वापस जो है, राइट, जैसे यहां से पास किए हैं एटम में से भी सेम वे से पास करके वो वैसे ही निकल गए. दैट मींस व्हेन दे पास थ्रू द एटम ऑफ द गोल्ड फॉयल देयर वाज नथिंग दैट बेसिकली हिट देम. कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके साथ वो हिट किए, इसीलिए वो बिल्कुल सीधा अपना पाथ जो है वो ट्रेस कर गए. ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट वन दैट दे पास स्ट्रेट. ओके, नाउ रिगार्डिंग द अदर थ्री ऑब्जर्वेशन, लेट्स
start with the small angle deflection. When the alpha particles, they get deflected by small angle. See, when the alpha particle, they approaches the gold atom. Alpha particles जो है उनका अपना चार्ज कौन सा है? If you remember, I told you that they are the helium nucleus. He2 positive nucleus है ये. Okay? These are the conclusions now. Ramne, उसने observation में आपको ये चार चीजें observation में दे दी है. अब conclusion है. Right? What he concluded actually now. तो पास स्ट्रेट का मतलब क्या है कि उनके पाथ में ऐसी कोई चीज नहीं आई जिससे वो हिट किए हो. द सेकंड थिंग इज कि जो गोल्ड एटम है ओके जब अल्फा पार्टिकल्स उनके साथ टकराए होंगे. सी गोल्ड एटम्स के साथ जब अल्फा पार्टिकल्स टकराए होंगे हेयर दे आर द हीलियम न्यूक्लियस एंड यू कैन क्लियरली सी He2 पॉजिटिव है यानी कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर अपना कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. ओके दे आर हीलियम 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस है. तो हीलियम 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. तो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कौन सा चार्ज बेयर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज. ओके नाउ पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इट मस्ट बी एनकाउंटर्ड विद सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम. हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एटम के अंदर भी कोई ऐसी चीज होगी जो शुड बी पॉजिटिव चार्ज. दैट शुड बी पॉजिटिव चार्ज जिसके कारण क्या हुआ ये जो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से जब मिले होंगे ओके ये पॉजिटिव और ये इसका पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स का और इस एटम के अंदर कोई जो पॉजिटिवली चार्ज चीज है ओके ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिले होंगे दे गेट रिपेल्ड. उन्होंने एक दूसरे को क्या किया होगा? रिपेल किया होगा बिकॉज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर. ओके नाउ कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आ रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फैक्टर जो था वो एक्सपीरियंस हुआ. दे एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फैक्टर एज सून एज दे अप्रोच द गोल्ड एटम. ओके तो उस रिपल्शन फैक्टर के कारण वो वहीं से क्या कर गए? वापस मुड़ गए. उस रिपल्शन फैक्टर के कारण वो वहीं से क्या कर गए हैं? वापस मुड़ गए. इज दिस क्लियर? यस. इज दिस क्लियर? राइट. इज दिस क्लियर? ओके तो दिस इज द स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन. स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन में उन्होंने पहले ही वो रिपल्शन फैक्टर जो था वो एक्सपीरियंस कर लिया जिसके कारण वो पहले ही डिफ्लेक्ट हो गए. ओके सो पाथ स्ट्रेट दैट मींस उनके रास्ते में ऐसी कोई चीज नहीं आई जिसके कारण वो स्ट्रेट पाथ कर गए. ओके स्मॉल एंगल्स दैट मींस दे फील अ लिटिल बिट ऑफ रिपल्शन फैक्टर व्हेन दे अप्रोच द गोल्ड एटम सो दैट्स व्हाई दे गेट डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल. वहीं से निकल गए. ओके नाउ फॉर दीज टू ऑब्जर्वेशंस अब ये दोनों ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं जहां पर वो अपना पाथ रिट्रेस कर गए और देन दे सफर लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन. नाउ हेयर इज द थिंग ऑफ हेड ऑन कोलिजन. देयर इज द थिंग ऑफ हेड ऑन कोलिजन. इसका क्या मतलब है कि अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा था और जो आपके एटम के अंदर पॉजिटिव चीज है वो एक दूसरे से डायरेक्टली टकराए. देयर इज अ हेड ऑन कोलिजन हिटिंग ऑफ दीज थिंग्स. ओके हेड वाइज बिल्कुल सीधे जो है वो एक दूसरे के साथ टकराए एंड बीइंग पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे. दे वर हिट बाय अ थिंग दैट इज वेरी वेरी हैवी इन नेचर. Okay, they were actually hit by a thing that is very, very heavy in nature. तो जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बहुत एक हैवी चीज के साथ टकराए जिसके कारण जब आफ्टर कोलिजन दे गेट एट अ वेरी वेरी लार्ज एंगल. सो दिस डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लार्ज एंगल एंड द रीट्रेस ऑफ देयर पाथ इट इज ड्यू टू द कोलिजन विद अ वेरी वेरी हैवी थिंग. ओके तो कैन यू इमेजिन जैसे एक ट्रक के साथ एक साइकिल की कोलिजन हुई तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि ट्रक को तो कोई असर नहीं होगा बट जो साइकिल है ओके द पर्सन ऑन द साइकिल एंड द साइकिल इटसेल्फ
they will be getting deflected at a very very large angle. Okay, so in दोनों में कुछ ऐसा हुआ होगा. Okay, we are actually concluding कि क्या चीज हुई होगी, इस observation का क्या reason हुआ होगा. Okay, so the reason is that they both collide headwise, due to which the alpha particles, they are forced to either retrace their path, वो वैसे ही वापस निकल गए. Okay, या they get deflected at a very very large angle. Right, same as the collision of a truck with a cycle. So these are actually the four points of conclusion that the Rutherford model of atom has given to us. Now the conclusion part, if we go to the conclusion part, तो हम यही कह रहे हैं कि center में कोई चीज है. Okay, a thing that is present in the center of atom, यही हम कह रहे हैं बार बार. Okay, कंक्लूजन पार्ट में हमने यही कहा कि सेंटर में कोई चीज प्रेजेंट है एटम के, दैट इज बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स साइज इज स्मॉल बट इट इज हैवी इन वेट. इट्स साइज इज स्मॉल बट इट इज हैवी इन वेट. Okay, so these are the various observations or various conclusions that the Rutherford model of atom has drawn. So after this experiment, Rutherford, he was at the conclusion ki atom ke center mein koi cheez present hai that is bearing positive charge, chahe uska size chota hai but uska mass jo hai wo bahut zyada hai. So at the end he concluded this thing as the nucleus of the atom. तो रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी बताई थी हमें, न्यूक्लियस की. सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इट लीड्स टू द कंक्लूजन ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इन द एटम. ओके, नाउ ऑब्जर्वेशंस भी हमने पढ़ ली है, हमने कंक्लूजंस भी पढ़ लिए हैं. नाउ कमिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. So coming to the first postulate of Rutherford model of atom, so postulate, जैसे अभी मैंने आपको बताया है that we introduced a new term that is called as nucleus. Okay, so उसने भी यही कहा कि जो atom है it consists of positively charged species. Okay, so atom के अंदर positively charged center है, that is called as nucleus. So Rutherford ne nucleus ki discovery jo thi wo ki. Okay, the second point jo maine abhi aapko bataya hai ki jo atom ka sara mass hai, okay, that is concentrated in the nucleus. The mass of whole atom that is concentrated at its nucleus, right? अभी मैंने आपको बताया है कि जो न्यूक्लियस है उसका वेट बहुत ज्यादा है, चाहे उसका साइज छोटा है बट उसका वेट बहुत ज्यादा है, एंड दैट वेट इज एक्चुअली सिंबलाइजिंग द होल वेट ऑफ द एटम. तो सारे के सारे एटम का जो मास है वो कहां पर लाई कर रहा है, न्यूक्लियस पे. ओके, now about the size, जो भी बताया है आपको, the size of nucleus is very very small, as compared to साइज ऑफ एटम. ओके, चाहे उसका मास जो है वो ज्यादा है, जो सारा मास है एटम का वो सारा सेंटर में है जहां पर न्यूक्लियस है, बट जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम. यानी कि एटम का साइज बड़ा है और जो उसका न्यूक्लियस है उसका साइज जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा.
okay, coming to the last point. अब last point में हमने ये चीज बतानी है कि now how we are actually establishing the neutrality of the atom. ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो atom है, हमने ये कहा कि जो एटम है उसके अंदर अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है. सो कमिंग टू द रिवॉल्वमेंट और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, यहाँ पर हम यही कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो किसी भी एटम में स्टेशनरी नहीं है. सी, अगर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस करना है तो मुझे शो भी करना पड़ेगा ना कि वो कैसे बैलेंस है. जैसे अभी हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में हमने ये बताया कि वो स्टेबिलिटी पॉइंट फैक्टर जो था वो नहीं एक्सप्लेन किया गया. ओके, नाउ हाउ दिस मॉडल हैज एक्चुअली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. तो इसमें उसने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमने बता दिया. और हमने ये भी कहा था कि इसमें प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो है, ओके, द प्रोटॉन्स दे आर रिवॉल्विंग और दे आर रेसाइडिंग. तो आपका न्यूक्लियस किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. ओके, अब प्रोटॉन्स अगर अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन जो है फिर वो कैसे रिवॉल्व कर रहे होंगे, कैसे इनका अरेंजमेंट होगा? जैसे हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में बताया अरेंजमेंट. ओके, कि हमने तो वहां पे रफली कह दिया था कि जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट दैट वाज आवर रफ जजमेंट. ओके, नाउ हियर वी विल बी एक्चुअली गिविंग अ सर्टेन क्राइटेरिया इन विच द इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इस पॉजिटिव के आसपास जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में. द इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड दिस न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, सो हियर वी गिव अ observation that the electrons, they are actually negatively charged and they are moving in a circular orbit around this positive charged nucleus. Okay, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये कौन सा motion show करते हैं? They are showing a planetary motion. Planetary motion का मतलब क्या है? कि जैसे आपके planets जो हैं वो sun के around revolve करते हैं. ओके, सेंटर में सन है और उसके आसपास जो आपके प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं. ओके, राइट, सो दैट इज एक्चुअली इन द सर्कुलर पाथ दे आर मूविंग, राइट. तो यहां से हमने ये कहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एक्चुअली नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं है, खड़े नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं. ओके, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड जस्ट एज द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके, इज दिस क्लियर? राइट, तो लास्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं. अब हमारा लास्ट पॉइंट भी यही है दैट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट स्टेशनरी बट दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, जस्ट एज द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन एंड दे शो प्लैनेटरी मोशन. सो इन द सेम वे हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो जाएगा वो कौन सा मोशन हो जाएगा? प्लैनेटरी मोशन हो जाएगा. ओके, इज दिस क्लियर? Is this clear till now? So we are having the four points for the Rutherford model of atom. We are having four points of observation. चार हमारी observations थी कि atoms जो थे वो straight pass कर गए. Some they suffer a large deflection, some suffer small deflections. Large deflections जिन्होंने suffer की they were only very few. जैसे हम 100 में से कोई 1 या 2 elements कह सकते हैं या electrons कह सकते हैं that actually suffer a large deflection. ओके, देन दे रिट्रेस्ड देयर पाथ, वैसे ही वापस आ गए.
ओके एंड सम दे सफर एट द स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन. तो ये आपके चार पॉइंट्स जो थे वो ऑब्जर्वेशन के थे. कंक्लूजन में हमने ये कहा है दैट द एटम्स राइट द अल्फा पार्टिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द अल्फा पार्टिकल्स दे पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. ओके दैट मीन्स कि उनके रास्ते में कुछ नहीं आया होगा ऐसा कि जो अंदर चीज है वो बहुत छोटी है. दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज राइट. सो दैट्स व्हाई दे डिडंट एनकाउंटर एनीथिंग. सेकेंडली यहाँ पे हमने चार्ज एस्टेब्लिशमेंट की बात की कि जिनकी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुई है दैट मीन्स दे फील सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दैट एक्चुअली रिपेल देम. तो अल्फा पार्टिकल्स को एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ने रिपेल किया जिसके कारण वो पहले ही स्मॉल एंगल से क्या कर गए हैं डिफ्लेक्ट कर गए हैं. फॉर द लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन एंड हेड ऑन कोलिजन वेयर दे रीट्रेस देयर पाथ इसका मतलब क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोलिजन हुई है बिल्कुल सीधी कोलिजन हुई है उन दोनों की जिसके कारण बहुत ज्यादा हैवी जो है वो एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं और आइधर वो वैसे ही वापस चले गए. ओके सो रिगार्डिंग दीज व्हाट ही स्टेट दैट कि एटम के अंदर जो मोस्टली चीज है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. ओके और उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है राइट द मास ऑफ द न्यूक्लियस और यू कैन से द मास ऑफ द होल एटम दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बट न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम से छोटा है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस. ओके तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके इस न्यूक्लियस के आसपास वो क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं राइट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्चुअली मूविंग अलोंग दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस. वो स्टेशनरी नहीं है रेस्ट पे नहीं है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं जस्ट एज द प्लैनेट्स दे मूव अराउंड द सन इन द सेम वे द इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे ऑल्सो शो प्लेनेटरी मोशन. जैसे प्लैनेट्स का मोशन है वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करके प्लेनेटरी मोशन जो है वो क्या कर रहे हैं शो कर रहे हैं. ओके इज दिस क्लियर टू यू. चलिए आफ्टर ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन एंड पोस्टुलेट्स नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. नाउ वेयर दिस थ्योरी फेल्स जैसे जे जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया वैसे ही रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी जो था वो फेल हो गया. ओके चाहे उसने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की ओके ही हैज एक्सप्लेन्ड एक्चुअली द स्टेबिलिटी राइट तो फिर भी इसका जो फैक्टर था इट सफर्स सम ऑफ द लिमिटेशन दैट फर्स्टली इंक्लूड इसकी एक ही लिमिटेशन है. सी इमेजिन आप घूम रहे हो यू आर मूविंग यू आर रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है अब कोई ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी एनर्जी लूज होनी शुरू हो जाती है आपको ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ गए हैं एंड आई एम नॉट एबल टू मूव नाउ राइट तो आप उस पाथ से डाइवर्ट हो जाते हो ऐसा ही होता है. हाँ जी ऐसा ही होता है बेटा. सो फॉर द लिमिटेशंस लाइक वी वर डिस्कसिंग कि जब आप एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो कंटिन्यूसली अ पॉइंट विल रीच व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिवॉल्व और रोटेट. ठीक है आपको चक्कर आ जाएंगे यू विल फील आई एम नॉट हैविंग दैट मच एनर्जी सो दैट आई कैन कंटिन्यू द मूवमेंट. ओके तो आप जो है वो रुक जाओगे. सेम इज द केस विद द इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं कह रही हूँ कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के आसपास घूम रहे हैं दे आर रिवॉल्विंग ओके अ स्टेज विल रीच. जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को भी लगेगा कि उनकी जो एनर्जी है वो कम हो रही है दे आर कॉन्टिन्यूसली लूजिंग देयर एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐसा लगेगा कि अब उनमें एनर्जी नहीं है. ओके सो दे कैन कॉन्टिन्यू द मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. तो जब एनर्जी नहीं है तो आप क्या करोगे सपोज आप घूम रहे हो ओके एंड यू फील लाइक कि आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ गए हैं यू आर नॉट हैविंग द एनर्जी कि आप संभल पाओ तो आप गिर जाओगे नीचे. ओके तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसे ही होगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ही नहीं रही है बिल्कुल उनकी एनर्जी जीरो हो गई है
तो वो भी क्या कर जाएंगे, इंस्टेड ऑफ मूवमेंट, इंस्टेड ऑफ शोइंग द मूवमेंट और इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो भी नीचे गिर जाएंगे, वो भी एटम के अंदर नीचे गिर जाएंगे. ओके एंड अगर वो गिर गए तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम है आपका, इट विल कोलैप्स, खत्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी उस एटम की, तो वो कोलैप्स कर जाएगा. अगर आपका एटम ही स्टेबल नहीं रहा तो वो एटम जो है वो बिल्कुल क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा. ओके सो इन दिस केस दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, दैट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ द लूजिंग ऑफ द एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन्स. ओके बट एक्चुअली स्टडीज में क्या शो किया गया कि ऐसी स्टेज कभी आती ही नहीं है कि एटम जो है वो कलैप्स कर जाए, एटम जो है वो खत्म हो जाए, एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए. दैट स्टेज इट एक्चुअली डिडंट कम. ओके तो कभी भी ऐसी स्टेज जो है वो नहीं आती है कि आपका एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए. सो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज दिस, दैट इफ द इलेक्ट्रॉन कीप ऑन लूजिंग इट्स एनर्जी, अ स्टेज विल रीच व्हेन इट्स एनर्जी विल बी जीरो एंड द एटम्स दे विल गेट डाउन, वो नीचे आ जाएंगे, घूमना बंद कर देंगे, एंड दिस स्टेज इट लीड्स टू द कोलैप्समेंट ऑफ द एटम. बट एक्चुअली दिस स्टेज इज नॉट रीच्ड, ऐसी स्टेज कभी आई ही नहीं है आज तक. Okay, so this was the limitation of Rutherford model of atom. Any doubt to anyone, beta?